हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 में चैप्टर 1 इंटीजर्स की एक्सरसाइज 1.4 को। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दे रखा है इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमें इन सभी पार्टों को सॉल्व करना है। इनको करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक रूल बता दूँ ताकि आपको क्वेश्चनों को समझने में आसानी हो। देखो, रूल ये होते हैं, अगर हमें पहले में बताया तो मल्टीप्लाई के रूल, ठीक। अगर दो डिजिट पॉजिटिव हो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, दो नंबर नेगेटिव के हो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। मतलब शॉर्ट में, दोनों पॉजिटिव है तो प्लस, दोनों नेगेटिव है तो प्लस, एक माइनस है एक प्लस है तो आंसर नेगेटिव का, एक माइनस एक प्लस तो भी आंसर क्या होगा नेगेटिव का। ये है मल्टीप्लाई के रूल, क्लियर। डिवीजन के रूल क्या होंगे, अगर कोई पॉजिटिव नंबर में नेगेटिव नंबर का डिवाइड देंगे तो आंसर क्या आएगा नेगेटिव आएगा, ठीक है। ये जो रूल बने हैं वो इन्हीं रूल से मिलकर बने हैं, कुछ अलग नहीं है ये, बस क्रॉस सेक्शन में हुआ है। देखो, एक प्लस हो माइनस हो आंसर माइनस का, एक माइनस हो एक प्लस का हो, मैंने बताया ना अभी, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई माइनस, माइनस को प्लस से करें तब भी माइनस, तो प्लस में अगर माइनस का डिवाइड है तो भी माइनस, माइनस में प्लस का डिवाइड है तो भी माइनस, दोनों सेम है तो भी प्लस, दोनों प्लस है तो भी सेम, ठीक है। ये इन्हीं का कंसेप्ट इसमें यूज़ होता है कि डिवीजन का हो गया। प्लस माइनस का रूल देखो, एक नंबर प्लस का हो एक माइनस का, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन नहीं होता, इसमें मल्टीप्लाई होता है इसमें डिवाइड होता है, जबकि इनमें डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं होता। एक प्लस का हो एक माइनस को माइनस करेंगे, चार में से तीन का एक है, बड़ा कौन है पॉजिटिव का तो निशान पॉजिटिव का, एक माइनस का एक प्लस का माइनस करेंगे, बड़ा कौन है नेगेटिव का तो निशान नेगेटिव का, दोनों सेम है दोनों जुड़ेंगे निशान माइनस का ही आएगा, दोनों प्लस से दोनों जुड़े निशान पॉजिटिव का, क्योंकि इनका निशान पॉजिटिव का है, क्लियर। अब इन्हीं रूल का यूज़ करते हुए इनको सॉल्व करते हैं। माइनस का 39 डिवाइड करना 10 का, ठीक। अब यहाँ देखो जरा, सॉरी 30 है ये, 39 निकली गलती से। अब ये माइनस का जिसके आगे निशान नहीं होता वो प्लस का होता है, ठीक। तो जैसे मैंने आपको बताया, वन में इसका डिवाइड देंगे 3 आएगा, माइनस प्लस माइनस ही होगा। देखो जरा, माइनस डिवाइड बाय प्लस आंसर किस में आएगा, माइनस में ही आएगा। ये हमारा ए पार्ट हो गया। बी पार्ट, 50 में डिवाइड देना माइनस 5 का, अब आगे निशान नहीं तो क्या होगा प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस ही होता है, डिवाइड दिए 5 टेन जा 50, ये बी पार्ट हो गया। सी पार्ट, माइनस के 36 में डिवाइड देंगे माइनस के 9 का, मैंने क्या बताया था माइनस और माइनस सेम हो गए, क्या बना देंगे प्लस बना लेंगे, 9 फोर जा 36। डी पार्ट, माइनस 49 डिवाइड बाय 49, ये माइनस का ये प्लस का, देखो जरा माइनस अपॉन में प्लस क्या होता है माइनस ही होता है, 49 में 49 का डिवाइड देंगे, 49 वन जा 49 वन आ जाएगा। ई, इसको थोड़ा सा पहले सॉल्व करना पड़ेगा, माइनस 2 प्लस में 1। अब मैंने जैसे कि आपको बताया प्लस माइनस के रूल में, एक माइनस का हो एक प्लस को हमेशा माइनस करेंगे, दो में से के एक, बड़ा कौन है माइनस का तो निशान आएगा माइनस का, अब 13 में डिवाइड देंगे माइनस 1 का, आगे कोई निशान है तो प्लस, प्लस में माइनस का डिवाइड देंगे तो आंसर माइनस का ही आएगा, 1 में इसका डिवाइड दिया तो 13 ही आएगा, ठीक है। ये हो गया एफ। देखो, जीरो में किसी का भी डिवाइड दे दो, चाहे माइनस के नंबर का चाहे प्लस के नंबर का, हमेशा आंसर जीरो ही आएगा, ठीक। एफ हो गया। जी देखो, माइनस 31 डिवाइड बाय माइनस 30 माइनस का 1। अब यहाँ देखो, बीच में निशान नहीं तो क्या होगा मल्टीप्लाई, प्लस इंटू माइनस, मैंने बताया आपको प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, माइनस का 1 आ गया, माइनस 31 डिवाइड बाय, दोनों डिजिट माइनस के दोनों जुड़ जाते हैं निशान माइनस का ही रहता है, अब डिवाइड देंगे माइनस 31 में माइनस 31 का, मैंने आपको बताया ऊपर नीचे माइनस माइनस हो तो क्या हो जाता आंसर प्लस, 31 में 31 का डिवाइड दिया कितना आंसर आया 1 आया। जी हो गया। एच देखो, माइनस 36 में डिवाइड देना 12 का, पहले बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंगली पहले अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे देन सॉल्व करेंगे बाहर वाले को, 12 में से का डिवाइड दिया आगे निशान है तो प्लस, 12 थ्री जा 36, ये माइनस का प्लस का तो आंसर तो माइनस का ही आएगा। अब माइनस 3 में 3 का डिवाइड देंगे, 3 वन जा 3 आया, ये माइनस का प्लस का तो आंसर तो माइनस का ही आएगा। तो फाइनली हमारा आई बचता है, आई देखो, माइनस का 6 प्लस का 5 डिवाइड बाय माइनस का 2 प्लस 1, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये माइनस का ये प्लस का, एक माइनस का एक प्लस का माइनस करते हैं, 6 में से 5 के एक, बड़ा कौन है माइनस का तो निशान माइनस का,
दो में से गया एक, बड़ा कौन है, माइनस का तो निशान माइनस का। अब माइनस वन में माइनस वन का डिवाइड देंगे, तो मैंने आपको बताया माइनस में माइनस का डिवाइड देंगे आंसर किसका आएगा, प्लस का। वन में वन का डिवाइड दिया आंसर वन। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर वन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर टू को। तो स्टूडेंट इसमें दे रखा है वेरीफाई दैट ए डिवाइड बाय बी ब्रैकेट बी प्लस सी नॉट इक्वल टू ए डिवाइड बाय बी प्लस ए डिवाइड बाय सी। ये स्टेटमेंट एक दूसरे के इक्वल नहीं है, हमें इन नंबरों को यूज़ करके वेरीफाई करना है। तो पहले मैंने स्टेटमेंट लिखी ए डिवाइड बाय बी प्लस सी इक्वल ए डिवाइड बाय बी प्लस ए डिवाइड बाय सी। वैल्यू को पुट किया, ए की जगह 12, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, दूसरी वाली राइट हैंड साइड है, ठीक। बी की वैल्यू में दे रखी है, तो बी की वैल्यू में दे रखी है माइनस का 4, सी की वैल्यू दे रखी है प्लस का 2। यहाँ पर ए की वैल्यू 12 डिवाइड बाय बी की वैल्यू माइनस का 4, ठीक, प्लस ए की वैल्यू 12 सी की वैल्यू 2। सॉल्व करते पहले लेफ्ट हैंड साइड को, 12 डिवाइड बाय माइनस 4 में से पॉजिटिव 2 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 2, क्योंकि बड़ा कौन है माइनस का, 12 में डिवाइड दिए माइनस 2 का, तो ये प्लस ये माइनस, आंसर तो माइनस का आएगा, 2 6 12, तो इस वाली साइड का आंसर आ गया माइनस का 6। यहाँ पे 12 में डिवाइड देंगे माइनस के 4 का, यहाँ पे 12 में डिवाइड देंगे 2 का, डिवाइड दिए 4 3 12, प्लस माइनस माइनस ही होता है, 2 6 12, एक माइनस का हो एक प्लस का हमेशा माइनस करेंगे, 6 में से 3 क्या 3, बड़ा कौन है प्लस का, तो निशान आएगा प्लस का। क्या दोनों साइड इक्वल आ रही है, ये तो दोनों इक्वल नहीं है, तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ये वेरिफिकेशन हो जाएगी दोनों की इक्वल नहीं है। ये हमारा ए पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। बी पार्ट को अब हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट इसका बी पार्ट मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है, स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल चेक करेंगे हम। ए की जगह माइनस 10 रखा डिवाइड बाय बी की जगह 1 प्लस में सी की जगह 1, ए की जगह माइनस 10 डिवाइड बाय बी की जगह 1, ए की जगह माइनस 10 बी की जगह सॉरी डिवाइड का साइन है, सी की वैल्यू 1 माइनस 10। पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगे, 1 प्लस 1 2 आएगा बॉड मास के अकॉर्डिंगली। अब माइनस 10 में डिवाइड दिया 2 का, ये माइनस का ये प्लस का, तो 2 5 10, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस ही होगा। माइनस 10 में डिवाइड देंगे 1 का, माइनस 10 में डिवाइड देंगे 1 का, 1 का डिवाइड दिया माइनस 10 ही आया, प्लस माइनस माइनस होता है, डिवाइड दिया 1 ही आया, दोनों माइनस के दोनों जुड़ के माइनस का 20। क्या माइनस 5 और माइनस 20 इक्वल है, दोनों बराबर नहीं है, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये हमें वेरीफाई करना था। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।